पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक मालगाड़ी कंचनजुंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में करीब कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कंचनजुंगा एक्सप्रेस सियालदह की एक तरफ जा रही थी, तभी पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके चलते यात्री ट्रेन के 3 बोगी पटरी से नीचे उतर गए। वहीं जानकारी के मुताबिक अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, राहत बचाव अभियान चालू है। कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 3 बोगी पटरी से उतर गए। धक्का इतने तेज था कि एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ गया। घटना की सूचना पर कटिहार रेल मंडल ने हड़कंप मचा दिया। कटिहार और एनजेपी से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे अधिकारी घटना स्थल की और कूच कर गए। बताया जा रहा है कि घटना में करीब 200 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इस घटना में कितने लोग की मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन घटना स्थल से जो वीडियो वायरल हो रहा है इससे स्पष्ट कहा जा रहा है कि हादसे में कुछ लोगों के जान जाने की भी आशंका है। बताया जाता है कि सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्टेशन पर खड़ी थी, इसी बीच पीछे से मालगाड़ी जाकर उसे धक्का मार दिया। मालगाड़ी के धक्का से SLR के साथ साथ जनरल बोगी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई कोच रेलवे पटरी से उतर गए, जिसके कारण सैकड़ों लोग जख्मी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सबसाची डे ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि अभी कितने जख्मी हुए हैं इसकी बात सामने नहीं आई है। इस घटना में कितने यात्री की मौत हुई है यह अभी बता पाना मुश्किल है। मंडल और NJP के वरिष्ठ रेल पदाधिकारी घटना स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।